किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और रसोई का काम ला करे थे, रसोई का काम निपटा दिया, चाय पानी पी लिया, दूध गर्म कर दिया, दही भी जमा दी है, तब बर्तन जितने भी हुए साथ साथ में साफ कर दिए हैं, जो भी होया सब दूध दाद गर्म हो गया है, किचन एकदम सुबह का मतलब क्लीन। एक बार फिर इतना काम छिड़ जा बहुत गणा, सब्जी बारह छोड़ दी थी तो सब्जी रखी है फ्रिज में साफ करके और उसमें रख दी, और कपड़े ले पाए थे तो ये भी बारह धरे हैं, ये भी उठा कर ना रखे हैं। सोमवीर जी पानी देने लग रहे हैं पौध्या में, तो सोमवीर जी सारे पौध्या में दे दिया है पानी, हर वह टंकी पानी की है बड़ी धरी है उड़े, तो इनमें भी सारे में पौध्या में पानी दे दिया है इनने। और गर्मी तो वाई है बेराना गोट हो रही है, बारिश भी कई दिन हो गई, तो हुई दो तीन दिन तो हो गए। सारा एक संगवाना रह रहा है, थोड़ी देर बैठ कर ना और जब करूँगी। हनी स्कूल में गया, लंच वंच वो कुछ ना लेकर गया, बोले मैं ना लेकर जाता, मेरा मन ना करता ले जाने। रितिकाई वह लौट रही है, उठ रही है पर कति उठी ना, बैठ में उठेगी अभी बीती, उठ ले नाले धोले सर धोले, आज है सोमवार, तो सोमवार सामन का पहला सोमवार है गाई, सोमवार तरफ ते आव है, तो सब ने बहुत बहुत बधाई हो सामन के पहले सोमवार की, तो फास्ट रहा आकर रितिका और मैं। हेलो रिति, गुड मॉर्निंग। तो ना मैं दोंगे सर दोंगे मंदिर में जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं गाइज थोड़ी देर बाद, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। सोमवीर जी नींबू ने छोड़ा ना रे, पापा रोटी खा सही पापा, एक और ले दू ठीक। अच्छा मैं नान हो ली थी आप और ना सर धो रखा कति किला फड़ा, फिर पापा आ गया तो मैं कला कला टाइट होगी रोटी क्योंकि नरम रोटी खा, और एक पापा की बना के दिखाऊं, चलो पहला एक बार पापा ने निमटा दूं, पापा निमट जाएगा फिर एक बार सरबा करना फिर रोटी बनाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और सब तो रोटी भी खवा दी हैं, बर्तन बर्तन सब कुछ साफ कर दिया है, और उसमें धरे हैं आलू दो कदर दिए उबलनती, और मैंने ग्रीन चूड़ी भी पहन ली है इसमें भी और इसमें भी, सामन में ग्रीन चूड़ी पहरा गुरु मैं हर साल, मतलब पानी ले लिया है इसमें पांच डाल का, वो रितिका ने डाल दिया है पंचा अमृत बनाकर ना, और सारा इसमें ले लिया है पूजा का सामान, तो के रह गया ही फोर तो कुछ ना रहा, मंदिर में जाऊँ है पहला सब तई रोटी खवाई है उसके बाद मंदिर में जाऊँगी, इन न छोड़कर ना मंदिर में भूखे चले जाए तो फिर जाने का फायदा के, तो रोटी राटी खवा कर चल दीदी ले लोटा ले ले बेटा एक रुमाल और देखो, तो चलिए मंदिर में दिखाऊंगी आपने, मंदिर में जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गाइस हमने मंदिर में जल चढ़ा दिया है,
एक जाम के घर हर कत्ते नु तप सके मैं तो कुल सम पानी देना इतने पान चढ़ गए कत्ते गाइस हम घर आ गए हैं दोनों हाथ लगा ले पेड़ पौधे देखो कितने बड़े बड़े हो गए खूब हरे भरे हो रहे हैं कत्ती बढ़िया कोड़े फड़ा दिए हैं धूप इतनी हो रही है कबूजो मत ऊपर तो फिर काम कूम हो गया तो इस मारे लेट हो गए ले ना पकड़ टोकरी ना मैं दरवाजा बंद करो के बनाऊंगे के खाऊंगे पहला तो पानी लिया रही थी पानी फ्रिज में तो काट ले बोतल गाइज खाना वाना खाए कई देर हो गई थी सब ने एब हो गई है दोपहर तो चाय बनाई है रितिका न बनाई है रितिका दादा न देने जाओ ही बारिश आ रही है कई भी बारिश आ रही थी बहुत जोर तक तो एब तो बंद हो रही है तो चलो चाय पी मैं पहला पानी पी लिया फिर सेब खा ली चाय बनाई है ना थी हमने और 3 बज रहे हैं ही बनाई है तो एब पी मंगी चाय गाइज अन्नी भी आ गया था स्कूल तो और चाय पिए भी हमें बहुत टाइम हो गया 4:30 हो रहा शायद टाइम 4:00 का तो रितिका नर्म ने मंगाया अन्नी ले आया मारती जूस ओ सॉरी सेक बना ओ क्या का सेक था यो पपीता सेक बाल पति बिखर रहे अन्नी ले आया मारती पपीता सेक दोनों आती खड़ी हो ले ले पी ए ले एक ही हो रहा मेरा उस दिन मैंने दे दिया तो मैं भी पी लूं ले गाइस हम खड़े हो गए और रितिका ती गाड़ी सिखाण लेकर जा मतलब चलाण ती और देखो पोचे वाली है ना इतनी आ भी नहीं ली है बुरा हाल हो रहा कति इतनी माटी माटी हो रही है कबूजो मत सारी का इसने मोटरसाइकिल निकाली ना उसमें माटी बारिश आकर न जाली और रुक भी ली तो बारिश रुक गई पेड़ पौधे तो सारे खूब बढ़िया थोड़ी सी रात मिली है गर्मी तो देखियो कि उकर चुक रहे सारे हाँ चल आओ बेटा गाइस हम आ गए थे पर है ना कल फैक्ट्री बंद हो गई थी यार फैक्ट्री है उसमें भाई पर खराब हो रही है हमारी कत्ती सारे टूट रहे हैं उस दिन लेना आए थे उस दिन तब भैया नाट गए थे कि बढ़िया कौन है आज मत ले जाओ तो वो बार बार मैसेज करने लाग रहे हैं कि आ जाओ कल बार होगी हमने तो पहला आज भाई पर लेंगे बाद में कि सारा आ गया रे बाद में फिर जाऊंगी फैक्ट्री में कोई ना पाओगा मेरे ख्याल में नमी बरस गया पानी भरया गाइस गोदाम बंद था आज वो था मंडे तो इस मारे मंडे ने बंद रहा कर कति दिमाग तो बात निकल गई तो कोई ना फिर हम आगे सीधे इबरी थी खाना पहले गाड़ी ड्राइव करवाऊंगे उसके बाद घर आए जाऊंगे चाय के बर्तन रह रहे हैं बस साफ ना करे हैं आलू छोल लिए हैं अरे आलू मैसर तो तोड़ भी लिए हैं घी चढ़ा रखा है पर मैं सोचू हूँ पहला आटा लगा लूँ फिर जो ठंडा हो जाएगा चून छान लिया है एक बार मैं चून भी लूँ पहला फिर रोटी राटी बनाऊंगी इनकी तो गाइज मैंने इसमें आलू डाल लिए हैं बनाऊँ आलू का हलवा और रोटी भी बना दी है सबकी तो मेरी रितिका की रह रही है तो अपना ये बनाऊंगी इसमें घी डाल दिया था अब तो दिखाई थी ये डाले हैं ये भूनने हैं दांग डाला किसी तो नांगा ला रहा रितिका तो मैंने बोली बथू भी करिए बोली मम्मी लिया कौन है तो इसमें बस मीठा गेर को और कति दांग पकाना है और पसीने गर्मी बहुत हो रही है तो चलो मैं बना लू मारा ही होए हमारा आज का वो मेरा रितिका का खाना शाम का फास्ट का है कि खाओगी थोड़ा सा ना या खाया ना करो कम खाया करो और क्या खा के बेटा कुछ भी ना ना भाई थोड़ा सा तो खा ले फिर पनीर सेक दो हाँ पनीर खा ले चलो गाइस मिलते हैं तो गाइस सोमवीर जी ने बोले हट ले तेरे बस की कोना मैं लाऊंगा तो थोड़ा सा कसर रह रही है उसमें तवे करन लाग रही है उसने हाँ रोटी बना
तो रितिका लस्सी बनावे है। हिसाब रहा जो तो मतलब कुछ ठंडा ठंडा सा पी लियो, तो मैं कहा बेटी लस्सी बना ले और दही ले लेंगे। तो गाई जी ओ पनीर रितिका खागी, मैं हलवा खाऊंगी। और यो बना रखे सारा तीत थारा थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। इतना टेस्टी बन रहा कतिय बूझो मत, मना बहुत बढ़िया लग हर। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।